सन 2011 में मेरे पिताजी भी मुझे कॉलेज में एडमिशन कराने ले जा रहे थे, और जैसे जैसे लड़के बड़े हो जाते हैं ना, इनकी पिता से बातचीत बहुत कम हो जाती है, बहुत लिमिटेड हो जाती है। पिताजी से इतनी बातें बचती है, पापा पूछते हैं आके खाना खाया, जी पापा, पढ़ाई कैसी चल रही है, ठीक है पापा। इसके बाद पापा और आप एक दूसरे को देख रहे हो किस टॉपिक पे बात कर ले हम लोग। फिर थोड़ी देर बाद होता है इंडिया अच्छा खेल रही है वर्ल्ड कप में, हाँ इंडिया अच्छा खेल रही है, क्रिकेट का एक टॉपिक होता है जिस पे बात हो पाई। ऐसा तो है नहीं कि लड़के जाके रोज पापा को बोल रहे हैं पापा आपसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू पापा, ये सारी चीज़ें तो रियलाइज होती है कि ये सब करना है, मतलब करना है पर पापा के साथ नहीं, कहीं और करना है ना। कितने लोगों ने यहाँ पिताजी को आई लव यू बोला होगा एक बार भी जीवन में? कितने लोग ने पिताजी को हर महीने एक बार आई लव यू बोला होगा? अभी व्हाट्सएप चेक करूंगा कहाँ कहाँ आई लव यू तुम लोग रोज बोल रहे हो, और एक साथ कितनों को बोल रहे हो? पिताजी को नहीं बोला जा रहा है, मेरे से भी नहीं बोला गया कभी, और बहुत लिमिटेड बातचीत होती थी पिताजी से। और क्या होता है ना, जैसे जैसे लड़के या बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, लड़के लड़कियां बड़े होते हैं ना, वैसे वैसे ये 16-17 की उम्र आती है ना, इसमें हम बन जाते हैं क्रांतिकारी। हमें चाहिए आज़ादी, घर से आज़ादी चाहिए हमें। घर में लगता बड़ी रिस्ट्रिक्शन है, रात को 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकलना है, दोस्तों के साथ घूमने नहीं जाना है, टाइम पे सो जाना है, टाइम पे खाना खाना है। लॉजिकली देखो सारी बातें सही थी, पर हमें उस टाइम चाहिए होती है घर से आज़ादी, और आज़ादी कहाँ मिलेगी आके? कॉलेज। तो मेरा भी ऐसा ही सपना था कि भाई अब इस घर से आज़ादी मिले, इस पिताजी से आज़ादी मिले, मुझे यहाँ से निकलना है यार, इन लोग बड़ा परेशान करते हैं, कॉलेज जाते हैं। तो 2011 में पिताजी मुझे कॉलेज लेके गए। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा रेफरेंस देता हूँ कि मैं कैसे बैकग्राउंड से आता हूँ। तो 2011 में मैं प्रयागराज में था, और मेरा कॉलेज कानपुर में था, HBTI करके नाम है, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन टर्म्स ऑफ रैंकिंग ओनली। हाँ, एनीवे, सो तो सरकारी कॉलेज था, 600 रैंक आई थी। तो पिताजी ने बोला कि ट्रेन से चलेंगे, हमने कहा ट्रेन से चलेंगे, और पिताजी जनरल टिकट लेके आ गए ट्रेन का। कितने लोग जनरल डिब्बे में ट्रैवल किए हो? अभी तो स्टूडेंट हो, अभी नहीं करोगे तो कब करो भाई, क्यों नहीं कर रहे हो? भारत देखिए, आप जनरल डिब्बे में घुसिए, आपको भारत दिखेगा। ये जितने बच्चे यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप सोच रहे हो ना, जब भी आप एंटरप्रेन्योरशिप सोचो तो एक ऐसा आइडिया सोचो जो स्केलेबल हो, जो भारत तक पहुँचे। आप ऐसी चीज़ बनाओ ना जो भारत तक पहुँचे, लिमिटेड ऑडियंस के लिए चीज़ें मत बताओ। अब अगर आपको ऐसी चीज़ बनानी है जो भारत तक पहुँचे बेटा, तो आपको भारत देखना पड़ेगा, और भारत ये नहीं है, दिस इज द मोस्ट प्रीमियम भारत, ये तो भारत का 1% है। आप अच्छे कपड़े पहन के यहाँ अच्छी जगह बैठे हो, क्या लाइटनिंग है, मैं क्या जूते पहनाऊँ, दिस इज द मोस्ट प्रीमियम भारत यू आर सीइंग। इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप इतनों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और मुझे लगता है अपने जीवन में आप कितना पैसा कमाते हो ये शायद इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है, सबसे बड़ी बात होती है आप कितनी लाइफ टच कर जाते हो, कितनी जिंदगियाँ आप टच कर जाते हो अपने जीवन में।